नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन प्राइम न्यूज। मोदी का अपन खड़े होकर एक बार काले बता दूंगा, मोदी जी का अपमान करेंगे। शिवराज जी को आपने मान सम्मान दिया और इतना मान सम्मान दिया। लोकसभा के जालौर सिरोही संसदीय क्षेत्र से सिरोही जिले के वाड़ेली कृष्णगंज के जमीन से जुड़े युवा नेता लुम्बा राम चौधरी को भाजपा का टिकट घोषित होने पर समूचे सिरोही व जालौर जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। कई कार्यकर्ताओं ने तो पटाखे चलाकर व मिठाइयां वितरित कर अपनी खुशी का इजहार किया। पार्टी आला कमान ने मौजूदा सांसद देवजी भाई पटेल का टिकट काटकर लुम्बा राम चौधरी को दिया है। देवजी भाई के जनता से कम जुड़ाव के कारण उन्हें पिछले राजस्थान विधानसभा चुनाव में जालौर के सांचौर से टिकट देकर चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली से जालौर भेजा था। तभी से लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया था कि इस बार देवजी भाई पटेल का टिकट कटना करीब करीब तय माना जा रहा है। और शनिवार को लुम्बा राम को टिकट देने की घोषणा ने लोगों के कयास को 100% सच साबित कर दिया। वैसे तो लुम्बा राम चौधरी ने अपना करियर LIC एजेंट से शुरू किया था, पर बाद में भाजपा से जुड़कर वे तत्कालीन विधायक तारा भंडारी के संपर्क में आए और तब से पार्टी के प्रति समर्पित रहे। बाद में तो उन्होंने पंचायत समिति व जिला परिषद के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाई और सिरोही पंचायत समिति के प्रधान भी बने। पिछले लंबे अरसे से वे राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के पक्के समर्थक रहे हैं। किसानों व आम जनता के कांग्रेस सरकारों के खिलाफ आंदोलन में भी वे सदैव सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। आरंभ से ही जमीनी स्तर के कार्यकर्ता रहे होने से लोगों में अच्छी खासी पैठ मानी जा रही है और शायद इसीलिए भाजपा आलाकमान ने उन्हें उम्मीदवार के रूप में चुना है। आपका स्वागत है जिला प्रमुख साहब, जिला परिषद सदस्य लुम्बा राम जी मेहता का स्वागत करेंगे। भारत माता की जय हो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। मैं आदरणीय लुम्बा राम जी भैसा का स्वागत अभिनंदन करने के लिए। इसी तरह पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ सब्सक्राइब का बटन दबाकर